हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाविस खान एंड आप देख रहे हैं फ्लफी कैट्स। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आपको अपनी कैट की ट्रिमिंग करवानी चाहिए कि नहीं। गाइस, जी हां, आपको अपनी कैट की ट्रिमिंग करवानी चाहिए अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे वेदर बहुत गर्म है, जहाँ पे समर्स में टेम्परेचर 40 से ऊपर रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो गाइज, वहाँ पे आपको अपनी पर्शियन कैट की ट्रिमिंग ज़रूर ज़रूर करवानी चाहिए। एंड गाइज, दूसरी बात कि आपकी कैट के अगर टेंगल्ड हेयर हो जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं बालों के, तो जब भी आपको मैंडेटरी है अपनी कैट की ट्रिमिंग करवानी। और गाइज, मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ ये वाली ट्रिमिंग। मैंने ये परचेज करी थी लास्ट ईयर। तो गाइज़, ये ट्रिमर है, 2700 रुपये का मुझे पड़ा और इसने अब तक मेरे 5 से 6 हज़ार रुपये बचा चुका है बहुत आराम से। पिछले साल से मैं अब तक यूज़ कर रहा हूँ। साल में मैं गर्मियों में 2 बार यहाँ पे ट्रिमिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 8 महीने की गर्मी पड़ती है। तो गाइज़, हर 3 से 4 महीने के इंटरवल में गर्मियों में मैं इनकी ट्रिमिंग कर देता हूँ, जिससे कि इन्हें प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि गाइज़, यहाँ पर हम 24 घंटे एसी नहीं चला सकते, बिकॉज़ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा होता है और गाइस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मियों से बचाने के लिए, अपनी कैट के लिए आपको ट्रिमिंग करवानी चाहिए। या तो आप ग्रूमर्स के पास जा सकते हैं, वेट के पास जा सकते हैं जो ग्रूमिंग करवाते हैं। वहाँ पे आपकी एक कैट का खर्चा आएगा लगभग 1500 से 1500 के बीच में। और गाइस, अगर घर पे आप परचेज कर लेते हैं, ये 2700 रुपये की सिर्फ मशीन है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ये अच्छी मशीन है, इसलिए मैं आपको इसका रियल फीडबैक दे रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी मशीन ये लगी, 1 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, बहुत अच्छा इसका ब्लेड है, बहुत आसानी से ट्रिमिंग हो जाती है। और गाइस, घर पे करने के क्या फ़ायदे हैं? गाइस, सबसे पहली बात, आप सेडेशन से बचते हैं। अपनी कैट को जो वो बेहोश करवाते हैं, तो गाइस वो रिस्क होता है बहुत बड़ा कैट की लाइफ के लिए, इसलिए वो साइन भी करवाते हैं कई जगह कि हम सेडेशन दे रहे हैं, तो इस पर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो गाइज, इसलिए मैं इस ट्रिमिंग का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि गाइज वहाँ पे जाके कैट बहुत ज़्यादा घबरा भी जाती है। घर पे बहुत आसानी से, जैसे कि अब ये लेटे हुए हैं, ऐसे ही मैं इनकी लेटे लेटे ट्रिमिंग कर देता हूँ। ये देखिए गाइज, बहुत आराम से करवा लेते हैं। ये देखिए, बहुत आराम से ट्रिमिंग ये ईजीली करवाते हैं और खुश भी रहते हैं। तो गाइज, घर पे आप ट्रिमिंग कर सकते हैं, बस आपको कुछ एक बात का ख्याल रखना है कि बिल्ली की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो आपको क्या करना है गाइज, स्किन को हमेशा स्ट्रेच करके और फिर ही ट्रिमिंग करें। आप जैसे लूज स्किन रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो खाल कट जाए, तो आपको स्ट्रेच करना है स्किन को और फिर ट्रिमिंग करनी है। जैसे कि देखिए, घर में ही आराम से बैठे हैं, बहुत अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, तो आप इजीली इनकी ट्रिमिंग कर सकते हैं। और देखिए, मैक्स पीछे सुपरमैन बना हुआ है इसकी ट्रिमिंग नहीं हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं डेमो के लिए कैसे ट्रिमिंग करते हैं घर पे, मैक्स की ट्रिमिंग करके आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।